मंदिर और माँ जी रांची के रहने वाले हैं और ये रामगढ़ के क्षेत्र के ये आपका सिंगड्डा बनगुड्डा ये टोला हो गया। ये 25 दिन का एक प्रशिक्षण के दौरान हमको यहाँ वो चयन किया गया है और ये लोग पहले से परंपरा अपना जो कमाए हैं वो करते आए हैं। डेकोरेशन जो अच्छे दाम मार्केट में मिल सके वो चीज़ हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इनको मुनाफा मिले। अभी लाइट फुलदानी और सोफा सेट ये 25 दिन के अंदर में हमको सिखाना है, कम से कम इनका आर्थिक स्थिति ऊपर उठे और ये मार्केट में जाए अपना सामान लेके, यही सब लेकर के हम प्रशिक्षण देने आए हैं और अच्छे से अच्छे हुनर दे के हम जाएंगे। बम्बू आर्ट में कितनी तरह के डिज़ाइन है? बम्बू आर्ट में बहुत सारे से डिज़ाइन है। बम्बू आर्ट में आपका फुलदानी है, लाइट है, चेन स्टेन है, स्प्रे है, फुलदानी है, बहुत सारे डेकोरेशन का सामान है। अच्छा, ये सारा डेकोरेशन। मेरा नाम महावीर महली है, हम ग्राम चनगट्टा के रहने वाले हैं और हम लोग पहले बांस का ही काम करते थे, पहले से ही। अच्छा। लेकिन हम लोग को जिस तरह का मेहनत हम लोग बांस में करते हैं उस तरह का हम लोग का मुनाफा नहीं मिलता था। अच्छा। लेकिन इसी कारण हम लोग का बांस का काम धीरे धीरे लुप्त हो गया। लेकिन अभी हमारे सेंट्रल फुलफील लिमिटेड के तहत माननीय श्री अमर सिंह के माध्यम से यहाँ हम लोग को बांस के काम का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अच्छा। जो हमारे गुरु के रूप में महावीर महली जी हैं, जो दहू रांची जिला के अंतर्गत आते हैं, हमारे ट्रेनर के रूप में आए हुए हैं। इन्हीं से हम लोग काम सीख के और जो अभी का जो है वर्तमान में जो चल रहा है बांस का डिजाइन का जो भी काम, उसको हम करेंगे और इसी से अब हम लोग का जीविका निकालेंगे। मेरा नाम मीना कुमारी है और बांस का गुलदस्ता बना रहे हैं। बनगड्डा के बनवा लागल ये गुलदस्ता और का बनावे है? टोकरी उकरी सब, टोकरी टुपला टुकरी ये गुलदस्ता की तैयारी कर रहे हैं जो कि खूबसूरत बनेगा, उसी की तैयारी में लगे हुए हैं।